पैसे दे देना। कितने? बस 2-3 हजार। 2-3 हजार? बेटा तूने इतने पैसे क्या करने हैं? दो 3 हजार रुपए? इतना महंगा दूध कौन सा है? तर वो कोई बाहर का दूध है, पता नहीं क्या नाम है उसका। तो साथ लेके आते, हमने इतना महंगा दूध लेके दे। सानू मिली सजा सड़ की ते दी, सानू मिली सजा सड़ की ते दी, चुक पार हयाती टुर पया। सानू असी पुलड़ हारे भुल गया। आ जाओ, तो बहुत तेज है, गर्मी बड़ी सख्त है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। गाड़ी में बैठ जाना था ना, बाहर क्यों खड़े? लगास, जो कम तुफैल ने जिंदगी पर नहीं किया वो अब कैसे कर सकता है? जाहिर है मलका आलिया तशरीफ लाएंगी तो गुलाम गाड़ी में बैठेगा ना। सदके जाऊं, इस बात में डिग ना जाऊं। आ जाओ। जैसे डोर से टूटे किस्मत के रूठे, बैठे हो सब कुछ लुटा। मेहमान एक दिन का होता है, 2 दिन का होता है। ये लंबा रहने आई है तो घर वालों की तरह रहे। घर के कामों में हाथ बटाना तो दूर, ये तो उठ के पानी तक नहीं पीती। उसको अपने घर में आदत जो नहीं है इसलिए। शौहर को छोड़ा ही है तो उसके घर के नखरे भी छोड़ आती। आधा दिन सोती रहती है। मेरी बीवी अपने बच्चों को संभाले या इसके बच्चे को देखे? इसका बच्चा आसमान से उतरा है क्या कि उसने इम्पोर्टेड दूध पीना है? जो दूध मेरे बच्चे पीते हैं वही इसके बच्चे को भी पिला दें? वो नहीं ना हो सकता, वो उसका पेट खराब हो जाता है, उसको हजम नहीं होते यहाँ के दूध। तो बाप को कहे कि ला के दे। तुझे मैंने 1000 दफा कहा था कि इसको तमीज सिखा, पर नहीं, कभी ग्लास तोड़ता, कभी मेरे अंगूर खा लेता, कभी छुट्टा मारता, मैं की करा इस मुंडे दा? इसको ना चपेड़े मारूंगी ना तो फिर सही होगा ये। बूंदे जा पहुंचे जाने कहां, साए निकल के बिखरे यूं चल के बैठे खुले मायरे। तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ।
कैसे डोर से टूटे किस्मत के रूठे बैठे हूँ सब कुछ लुटा बैठे हूँ सब कुछ लुटा। कब जाएगी ये नवाबजादी? मुझे क्या पता, चली जाएगी। तो यही तो पूछ रही हूँ कि कब जाएगी। मुंह उठाकर आ गई है, हमारी अपनी तो पूरी पड़ती नहीं, ऊपर से इस बेगम साहिबा के नखरे। चली जाएगी। 24 घंटे एसी चलाकर रखती है, कमरे में चाहे हो या ना हो एसी चलता रहता है। कल बाजार चली गई, 3 घंटे एसी फालतू में चलता रहा। बिल तो हमने देना है ना, खुद तो कुछ लेकर नहीं आई। चला के बाजार चली गई। हद होती है लापरवाही की। लापरवाही नहीं, ये नखरा है। खावंद ने ना सारी आते बिगाड़ के रखी है इसकी। तो फिर रहती ना अपने खावंद के पास ही, यहाँ क्या लेने आई है? हमारा सफाया फेरने आई है और क्या। अगर ये 1 महीना यहाँ पर रह गई ना तो जेवर बेचने की नौबत आ जाएगी। मैं बता रही हूँ तुम्हें, बच्चा है तो वो बिगड़ा हुआ है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, चिप्स ला दो ये ला दो वो ला दो, कहाँ से पूरे करूँ मैं इतने खर्चे। करता हूँ अम्मी से बात। अम्मी से बात ना करो, खुद उससे बात करो। कहो बेबी ये देखो हमारे जुड़े हुए हाथ, घर चली जाओ अपने वापस, हम नहीं सह सकते तुम्हारे नखरे। अस्सलाम वालेकुम खाला। तू? वो मैं अम्मी से मिलने आई थी तो सोचा कि आपसे भी मिल लूं। तो फैल लिया है? नहीं वो कौन है फातिमा? ये जी नगीना आई है। ये क्या लेने आ गई है? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। चलो आइए तो बैठ जाओ, आ जाए इधर। नहीं मैं चलती हूँ, अरहम घर पे अकेला। कोई काम है तो बोल। कोई काम नहीं है, बस कहना था कि आप दोनों मेरे लिए दुआ कर दिया करें। जब से ये घर उजड़ा है ना, हमारी दुआओं में असर नहीं रहा नगीना। नहीं फातिमा, हमारे घर से तो कभी कोई फकीर खाली हाथ नहीं गया। ये तो फिर तो फैल साहब की बीवी है। जा बताइए।